राजस्थान का उदयपुर शहर घूमने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। वहीं इस बार लेक सिटी में जनवरी माह में घूमने के लिए रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए हैं। कोरोना के बाद पहली बार इतनी संख्या में टूरिस्ट आने से जनवरी माह का बीते 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं जिलों के नगर की सुंदरता और यहाँ की हिस्टोरिकल पैलेस को देखने आने वालों में देश ही नहीं विदेशी टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विशेष रूप से अमेरिका, यूके, फ्रांस और इसराइल जैसे देशों से टूरिस्ट आए हैं। वहीं टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार जनवरी में 1.94 लाख टूरिस्ट उदयपुर घूमने आए हैं। यह पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें 1.80 देशी टूरिस्ट है, लेकिन कोरोना के बाद पहली बार 14,000 से ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में जनवरी से दिसंबर तक हर माह 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहां आए हैं, जबकि जनवरी माह को टूरिस्ट का जाता हुआ सीज़न माना जाता है। वहीं दिसंबर 2022 में सीज़न होने के कारण करीब 2.25 लाख पर्यटक आए थे। वहीं मार्च में उदयपुर में बड़े फेस्टिवल होने वाले हैं, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने की संभावना है। इसमें खास मेवाड़ में मनाए जाने वाला होली का त्यौहार है, जिसे खेलने के लिए ज़्यादातर विदेशी मेहमान आते हैं। इसके साथ ही उदयपुर में दूसरी बार G20 सम्मेलन भी होने वाला है, जिसमें कई देशों से राजनयिक यहाँ आएंगे। इसके साथ ही मार्च के अंतिम सप्ताह में मेवाड़ फेस्टिवल भी होगा, जिसमें टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टूरिस्ट के लिए कई बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए टूरिस्ट आते हैं। वहीं पर्यटन विभाग की निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि आंकड़े बता रहे हैं कि उदयपुर शहर को कितना पसंद किया जा रहा है। वहीं लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। विभाग और प्रशासन की तरफ से भी लगातार पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विकास के काम किए जा रहे हैं।